What up, this dog? What up? Hello? Hello? जी क्या हुआ जनाब? या मैं सोया था, मेरी अजान का टाइम था, मेरा भाई अजान दे रहा था। अजान देते देते उसने पढ़ा अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। उसी वक्त फायर की आवाज़ आ गई और हम समझ गए, और माइक भी बंद हो गई। हम समझ गए क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं ही वो ठीक कर रहा था। अच्छा, मैंने सोचा मत कुछ या प्रॉब्लम हुई होगी मस्जिद में या कुछ। हमने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आवाज़ हो गई, हमने नहीं क्योंकि हम सोए थे। बाद में मेरी बहू ने खिड़की से झांका तो उधर से रोने की आवाज़ आ गई। हम दौड़ के वहाँ पर गए, उधर मेरा भाई मर पड़ा था। तो कितनी गोलियाँ इनको लगी थी? लगभग 6 जख्म है उसमें, 6 जख्म उस बॉडी में है। क्योंकि अभी मेरा या भतीजा इकबाल अहमद मीर ने या मैत को मैत की फ़ोटो ली थी, हमने उस पर देखा कि लगभग 6 सुराख थे। नहीं हूँ सर, मैं घर में बैठा था तो आवाज़ आगे अजान की हो गई। तो शफी साहब भी हमेशा सुबह की अब अजान देते थे, वक्त पर देते थे। तो माइक हमने कल शाम को ठीक की थी तो अजान बड़ी हो गई। तो अशहद अन्ना मोहम्मद रसूलल्लाह पहला पढ़ा इसने, तो दूसरा पढ़ने से पहले एक आवाज़ आ गई मेरे कानों में, जैसे कोई घाम हो गया ऐसे हो गया। तो वो दरअसल माइक से भी, माइक खुली थी तो उससे वो वाइब्रेट हो गई आवाज़। तो अजान ख़त्म हो गई, अजान इसके बाद अजान नहीं हुई। तो अब मैं खामोशी रहा, मैंने सोचा कुछ आवाज़ आएगी, क्या होगा, क्या हुआ होगा। अब मैंने सोचा मेरे ख्याल में ये मशीन ख़राब हुई है हमारे, क्योंकि ये पहले 2 दिन से ख़राब थी तो इस वजह से ही हो गया। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे बेटी ने आवाज़ दी कि शफी अंकल नहीं रहे, तो हम यहाँ पहुँचे। तो इस दौरान मेरे भांजे ने और उसके भतीजे ने उसको उठा लिया था बारामूला। अब हमारे जहन में ये था कि इसको थोड़ा, मुझे लगता है प्रेशर रेज हुआ होगा, कोई गिर गया होगा, उस वजह से चक्कर आया होगा, तो इस वजह से। लेकिन फिर उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया है कि इसको गोलियाँ लगी हैं, इसको गोली लगी है। तो अब क्या? तो अब हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, अपने गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि इस कल्प्रिट को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, इस जिसने ये अनहोनी हरकत की।